तो हेलो, कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, मैंने सुना कि ग्रैंड वार्डन की न्यू स्किन आ रही है, बहुत खतरनाक स्किन है। वेट अ मिनट, स्किन से मुझे याद आया, क्लैश ऑफ क्लैन की वर्ल्ड चैंपियनशिप के क्वालिफायर चल रहे हैं, जिसमें कि हमारे इंडिया के दो क्लैंस भी हैं। एक क्लैन है इंडियन क्लैशर एंड एक क्लैन है डार्क टेंजेंट। भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, आज क्लैश ऑफ क्लैन की वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो स्ट्रीम होगी उसमें बस इंडिया इंडिया ही दिखना चाहिए। स्पैम करना है भाई, जम के अपनी दोनों टीमों को फुल सपोर्ट करनी है। एक ना एक टीम तो भाई जानी चाहिए, क्वालिफाई करनी चाहिए वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, गोल्डन टिकट मिलनी चाहिए। अगर भाई गोल्डन टिकट मिल जाती है कसम से यार मजा आ जाएगा। फिलहाल गाइस हम लोग वीडियो की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज की वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग जो हमारे एनिमीज हैं जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं उनकी अटैक को कॉपी करने वाले हैं। अगर मैं अपने बैटल लॉग में चलूं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिफेंस लॉग में, यहाँ पे महाभारत के एक बंदे ने हमारे बेस के ऊपर अटैक किया एंड थ्री स्टार निकाला, हम लोग इसकी अटैक को कॉपी करने वाले हैं। ये बंदा यहाँ पे यूज कर रहा है येटी स्मैश एंड सेम यही आर्मी हम लोग यूज करेंगे, मल्टीप्लेयर बैटल में अटैक करेंगे, लेजेंडिंग में अटैक करेंगे। देखते हैं भाई हम लोग वहां पे थ्री स्टार निकाल पाएंगे या फिर नहीं, क्या मुझे ये अटैक यूज करनी आती है या फिर नहीं आती है, देखते हैं भाई। एंड हाँ गाइज, हमारे पास स्नीकी गोब्लिंस नहीं है, तो उसकी जगह हम लोग यहाँ पे कुछ और ट्रूप यूज करने वाले हैं। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सीसी की बात करेंगे तो सीसी में भी हमारे पास यहाँ पे स्नीकी गोब्लिंस नहीं है, हम लोग यहाँ पे वोल्कैरी यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लैन में भाई किसी के पास है ही नहीं स्नीकी गोब्लिन। खैर छोड़ो गाइस, अभी हम लोग चलेंगे अटैक के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक, तो क्या कर रहे हो भाई। हमारे चैनल के ऊपर 60% बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों भाई क्यों, करो यार सब्सक्राइब। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी हमारे 100 के हो पाएंगे, अगर आप लोग नहीं करोगे तो भाई कौन करेगा यार, प्लीज यार सब्सक्राइब करो। आज की इस वीडियो पे लाइक एम करते हैं, 3333 लाइक के लिए, लाइक एम भाई बड़ा है तो कंप्लीट करवा देना यार। एंड हाँ कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर जी आर्मी हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, सीसी हमारा फुल नहीं है, लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अभी हम लोग चलते हैं अटैक के ऊपर। ओहो भाई बहुत फेमस वेस मिला है एंड एक स्पेक्टेटर भी आ चुका है भाई, अभी तो हम लोगों ने अटैक स्टार्ट भी नहीं किया, स्पेक्टेटर यहाँ पे पहले ही आ गया, चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ओके हम लोग अटैक करेंगे 12 o'clock से, ब्लिंप डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल रानी फन्नो है, अगर यहाँ पे ब्लिंप सिंगल रानी फन्नो को डाउन कर लेता है तो अपने को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले यहाँ पे क्वीन हिलर्स वार्डन कोकोलून रेज, अभी डालना अपने को यहाँ पे बैट ब्लिंप, उससे पहले कोकोलून आ जाएगा, फिर बैट ब्लिंप, चलो भाई बैट ब्लिंप, अगर टाउन हॉल तक पहुंच जाए तो भाई बहुत अच्छी बात है मान लिए। रेज पहुंचा क्या, येटी माइट्स निकाल लेंगे भाई टाउन हॉल को। ओके भाई निकल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रो डैगन आ जाएगा, यहाँ पे सारे के सारे येटीज, आइस गोलम किंग आ जाएगा, यहाँ पे जंप आ जाएगी, पॉइजन रेज वार्डन की एबिलिटी। ओ बॉलर्स गए भाई अभी हमारे, यहाँ पे रॉयल चैंपियन आ जाएगी, एक और रेज है हमारे पास उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अभी हमारे पास यहाँ पे दो फ्रीज है, यहाँ पे आ जाएगी एक, एंड एक फ्रीज आ जाएगी यहाँ पे। कमोन भाई क्या ये अटैक थ्री स्टार निकलेगा, टाइम का भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, वैसे टाइम हमारे पास काफी है। कमोन किंग की एबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दी, अभी हमारे पास यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, रॉयल चैंपियन की एबिलिटी बची हुई है, दोनों यूज कर देते हैं। आई थिंक ये अटैक यहाँ पे थ्री स्टार निकले वाला है क्योंकि इस तरफ यहाँ पे येटी बचे हुए हैं एंड येटी माइट्स भी बचे हुए हैं, बकेट अभी इनकी खाली नहीं हुई है, ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी है।
ओके भाई ये अटैक निकल जाएगा 3 स्टार। सो गाइस पहला अटैक तो हम लोग ने यहाँ पे 3 स्टार निकाल लिया। महाभारत क्लैन के बंदे ने जो हमारे ऊपर अटैक्सी यूज की थी उस अटैक्सी को हम लोगों ने यूज करके 3 स्टार निकाल लिया। ये चीज हमारे लिए काफी अच्छी है। सो गाइस अभी अपने को वेट करना है कि हमारे ऊपर एक बार फिर से अटैक हो एंड जो आर्मी वो बंदा यूज करेगा उस आर्मी को हम लोग यूज करेंगे। भाई क्लैश ऑफ क्लैन में मैं पहला बंदा हूँ जो कि आज दुआ कर रहा है कि उसके ऊपर फटाफट से अटैक हो। इसी बात में भाई एक सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो बनता है। सो वेट करते हैं भाई फटाफट से हमारे ऊपर अटैक होने का। सो गाइज हमारे ऊपर अटैक हो चुका है एंड -26 हुई है यहाँ पे एंड ये बंदा भी यहाँ पे येटी स्मैश यूज कर रहा है लेकिन ये बंदा यहाँ पे जैप यूज कर रहा है। 5 यहाँ पे लाइटिंग स्पेल है, 1 अर्थ स्पेल है एंड विचिज भी यूज कर रहा है। लास्ट वाला बंदा जो महाभारत वाला बंदा था वो विचिज यहाँ पे यूज नहीं कर रहा था एंड ये बंदा भी यहाँ पे वॉल ब्रेकर यूज नहीं कर रहा है। एंड ये बंदा सीसी में क्या यूज कर रहा है पता है? होग राइडर्स। भाई होग राइडर्स ये बंदा क्यों यूज कर रहा है मुझे नहीं पता लेकिन मुझे भी यार यहाँ पे होग राइडर्स यूज करने पड़ेंगे। वैसे मैं यहाँ पे होग राइडर्स यूज करना तो नहीं चाहता लेकिन भाई करने पड़ेंगे क्योंकि इस बंदे ने भी होग राइडर्स को ही यूज किया है। अगर येटी यूज कर पाता तो हमारे लिए ज्यादा फायदा रहेगा। फिलहाल गाइस हम लोग फटाफट से ट्रूस को ट्रेनिंग के लिए लगा देते हैं। जैसी आर्मी रेडी हो जाएगी हम लोग चलेंगे अटैक के ऊपर। So guys, चलते हैं अभी हम लोग अटैक के ऊपर। Let's go भाई आर्मी रेडी हो चुकी है। ओके गाइज सेम वही बेस मिला है। वही बेस तो नहीं है, थोड़े से यहाँ पे चेंजेस हैं, लेकिन उसी टाइप का बेस है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात है हमारे लिए, हमारे पास अभी सीसी के अंदर यहाँ पे होग राइडर्स हैं एंड होग राइडर्स यहाँ पे टनल को डाउन नहीं कर पाएंगे। सो बैट ब्लिंप को तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके लाइटिंग को हम लोग कहाँ पर डालें, स्कैटर शॉट के ऊपर या फिर सिंगल डार्टिंग इन्फर्नो के ऊपर? आई थिंक सिंगल डार्टिंग इन्फर्नो के ऊपर ही डालना पड़ेगा। सो यहाँ पे जैप अर्थविक एंड यहाँ पे आ जाएगा वार्डन। फनल बनाना भाई यहाँ पे हीलर्स। सीसी का भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि सीसी ना निकले भाई जल्दी वरना वार्डन को यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। ओके यहाँ पे जंप भाई सिंगल इन्फर्नो है उस तरफ वो भी यार दिक्कत देगा अपने को। यहाँ पे येटीज आ जाएंगे क्वीन, यहाँ पे विचिस किंग, एक हेडेंटर आ जाएगा यहाँ पे बॉलर्स, यहाँ पे रेज, यहाँ पे आ जाएगी सीग बैरक्स। ओके बचे हुए बॉलर्स भी हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। कम ऑन भाई वार्डन की एबिलिटी, एक और रेज आ जाएगी यहाँ पे ताकि टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हो जाए। सीग बैरक्स के अंदर से जैसी होग राइडर निकलेंगे हम लोग यहाँ पे अपनी रॉयल चैंपियन को डाल देंगे। कमऑन बॉलर्स टाउन हॉल को डाउन करो। ओ भाई टाउन हॉल यहाँ पे डाउन हुआ नहीं है, होग राइडर्स यहाँ पे डाउन कर लेंगे लेकिन भाई गीगा बॉम्ब यहाँ पे होग राइडर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। भाई होग्स तो हमारे यहाँ पे गायब हो जाएंगे। होग राइडर्स यहाँ पे गायब हो चुकी है, यहाँ पे डाल देते हैं। चलो क्वीन की एबिलिटी, किंग की एबिलिटी भी यहाँ पे यूज हो जाएगी। अपने को यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ परसेंटेज निकालनी है, कम से कम अपने को यहाँ पे 70% तो निकालना है। अगर 69% निकलता है भाई मजा आ जाएगा यार, 69% अपना फेवरेट नंबर है। कम ऑन भाई 65, कम ऑन 67, 68, 1% और, कम ऑन 68। ओ भाई चलो 69% यहाँ पे निकल चुका है। एक्चुअली गाइस ये अटैक भी यहाँ पे 3 स्टार निकल जाता अगर हमारे सीसी के अंदर होग राइडर्स नहीं येटी होते तो हम लोग आसानी से इस अटैक को 3 स्टार निकाल लेते। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड हम लोग डिफेंस की बात करें तो हमारे ऊपर गाइस एक और डिफेंस हो चुका है एंड ये बंदा यहाँ पे यूज कर रहा था 8 अर्थविक स्पेल्स। भाई साहब इस अटैक्सी में मजा आएगा, इस अटैक्सी को हम लोग फटाफट से कॉपी कर लेते हैं, फटाफट से ये ट्रूप्स को हम लोग ट्रेन के ऊपर लगा देते हैं एंड जैसी आर्मी रेडी हो जाएगी हम लोग फिर से चलेंगे अटैक के ऊपर।
A few moments later. Okay guys, let's go. आर्मी रेडी हो चुकी है. ओके भाई, ये क्या बेस मिला है यार, बहुत गंदा बेस है भाई. टाउन हॉल तो देखो यार इसका, कितना साइड में है, वहीं पे स्कैटर शॉट है, वहीं पे हीरोज हैं. हो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है भाई यहाँ पे. हो क्या करे भाई, टाउन हॉल की तरफ से जाऊं या फिर टाउन हॉल के अपोजिट से जाऊं. भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मुझे, कसम से इस बेस के ऊपर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से अटैक करूं कहाँ से नहीं करूं. ऐसा करते हैं टाउन हॉल की तरफ से ही चलते हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास. यहाँ पे आ जाएंगे, सबसे पहले अर्थविक स्पेल डालूं या फिर नहीं, रुको नहीं डालते. यहाँ पे गोलम, आइस गोलम, सिगबरेक्स, किंग क्वीन, वार्डन, सारी की सारी विचेस आ जाएंगी यहाँ पे. फिर बॉलर्स आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आ जाएगी एक पॉइजन स्पेल, रेज आ जाएगी. टाउन हॉल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है. वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे बहुत जल्दी यूज करनी पड़ेगी, वार्डन की एबिलिटी. कम ऑन भाई, रिचार्ज चाहिए अपने को, चाहे कुछ हो जाए. ओ बॉम्ब टावर, नहीं भाई बहुत कम हेल्थ हो चुकी है हमारे ट्रूप्स की यहाँ पे. यहाँ पे डाल देता हूँ मैं अर्थविक, वॉल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी. उम्मीद करते हैं हमारे सारे के सारे ट्रूप्स चले जाएं अंदर की तरफ. किंग की एबिलिटी मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ. अभी हमारे पास यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी है, एंड रॉयल चैंपियन को अभी हम लोगों ने डाला नहीं है. यहाँ पे आ जाएगी रॉयल चैंपियन, ताकि हमारे जितने भी बॉलर हैं ना वो अंदर की तरफ रहें. यहाँ पे रेज, यहाँ पे आ जाएगी अर्थविक, अपना दूसरे वाला कंपार्टमेंट भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा. क्वीन की एबिलिटी, ओ नहीं भाई वहां पे जायंट बॉम्ब निकल गया. क्वीन भाई बहुत जल्दी मर गई यार हमारी, अगर वहां पे जायंट बॉम्ब नहीं होता या फिर हम लोग एबिलिटी जल्दी यूज कर लेते तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता. लेकिन स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अटैक हमारा काफी सही चल रहा है. एंड ये टीज अगर यहाँ पे सिंगल रनिंग फोनों को डाउन कर लें तो भाई इस अटैक को थ्री स्टार होने से कोई नहीं रोक सकता. कम ऑन ये टीज, ये टी माइट्स. ओ नहीं भाई सिंगल यहाँ पे डाउन नहीं हो पाया. इस तरफ यहाँ पे चार विचेस बची हुई है, स्कैलीज भी बहुत सारे हैं, वार्डन की हेल्थ यहाँ पे काफी कम है. स्प्लैश डैमेज देने वाली सिर्फ यहाँ पे दो ही चीजें हैं, दो विजार्ड टावर. क्या लगता है यार ये अटैक थ्री स्टार निकलेगा? स्कैलीज यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा भाई ये अटैक थ्री स्टार निकलेगा, क्योंकि भाई विजार्ड टावर है सामने. जायंट बॉम्ब यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए, अगर जायंट बॉम्ब निकला तो हमारी विचेस भगवान को प्यारी हो जाएंगी. कम ऑन भाई 91% निकल चुका है वैसे इस बेस के ऊपर, मुझे लगा नहीं था इतनी ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे निकल पाएगी, 92. कम ऑन वार्डन, विजार्ड टावर को डाउन कर. ओके 93. कम ऑन कम ऑन, सिंगल यहाँ पे हमारे वार्डन के ऊपर लॉक हो चुका है, वार्डन गया हमारा. 95. ओके गाइज, हम लोगों ने यहाँ पे 95% निकाल लिया इस अटैक को. मुझे लगा नहीं था इतनी अच्छी परसेंट हम लोग इस बेस के ऊपर निकाल पाएंगे, लेकिन स्टिल गाइज हमारा अटैक यहाँ पे काफी अच्छा चला गया. सो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड हाँ गाइज, अगर आप लोग कोई चैलेंज देना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर देना. फिलहाल गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा.